हेलो गाइस, यार कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो कुछ ज्यादा ही कमाल की होने वाली है। वैसे भी आपने थंबनेल देख भी लिया होगा और मैं बता लेता हूँ कि आज की वीडियो को मैं आपको अपने पिक्सल लैब ऐप का यूज कर एंड्रॉइड में आपको कुछ इस टाइप के लोगो डिजाइन करना सिखाने वाला हूँ। तो भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना और जो भी चैनल में फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे जो आपके एक रेड कलर का प्यारा सा बटन नजर आ रहा है उसको जल्दी से जाकर तोड़कर यानी कि बस भाई सर मारो कुछ भी मारो बस ग्रे होना चाहिए, मुझको नहीं पता भाई। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना पिक्सल लैब ऐप ओपन कर देना होगा। तो इनकी जो ऐप ओपन कर देने के बाद सबसे पहले आपको अपने लोगो बनाने के लिए एक प्रॉपर साइज चाहिए। भाई स्क्वायर में भी हम बना सकते हैं बट जो लोगो है इतना अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा और जो है हमारा मतलब बन ही नहीं पाएगा सही तरह से। तो साइज इंक्रीज करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल से यहाँ पर आपको इस फोर्थ वाले आइकन में क्लिक करके इस इमेज साइज वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो इनके जैसे आप इसमें क्लिक कर रहे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको इस कस्ट्यूम वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो इनके जैसे आप इसमें क्लिक कर रहे तो यहाँ से आपको जो बहुत ज़्यादा साइजेस देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको सिंपल से यूट्यूब थंबनेल वाली साइज सिलेक्ट कर जैसे ही आप ओके में क्लिक कर रहे तो यहाँ से आपकी जो साइज स्क्वायर में मतलब स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगी यूट्यूब थंबनेल में, जो कि मान लिया एक बढ़िया ही बात होने वाली। तो कुछ नहीं करना आपको सबसे पहले इस न्यू टेक्स्ट को यहाँ पर आपको इरेज करना होगा ताकि हमें एक न्यू मतलब की शेप ला पाए अपनी पिक्सल लैब की मतलब के पिक्सल लैब में। तो इरेज करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको पेंसिल के आइकन के सामने आपको एक डिलीट का आइकन देखने को मिल जाएगा। सिंपल से इसमें क्लिक करके डिलीट दी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो सिंपल से जैसे आप ओके में क्लिक कर ले तो यहाँ से आपका जो न्यू टेक्स्ट टाइप हुआ पड़ा था अभी फिलहाल यहाँ से इरेज हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो मतलब डिलीट हो चुका है। तो सिंपल से कुछ नहीं करना आपको के मतलब के आपको इस ऑक्टागन वाला आइकन में क्लिक करके इस इंपोर्ट वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो इनके क्लिक कर देने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, रियलर से आपको एक जो मतलब के साइड में से आपने जैसे कि लोगों में मतलब के थंबनेल में देखा कि एक वीट निकला मतलब के वीट से सामने से, तो इस टाइप से आपको कुछ वो लोगो सिलेक्ट कर देना होगा। अब वो सोच रही भाई लोगो हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, भाई सीधी सी बात है लोगो आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको मतलब के होना चाहिए वो वाला जो लोगो है। तो लोगो डाउनलोड के लिए कुछ नहीं करना, से मतलब प्ले स्टोर पर जा रहा है वहाँ पर आपको सर्च कर देना है पिक्सआर्ट, बिल्कुल सही के मतलब के मैक्स लोगों के पास है। मुझे पता है भाई जो भी मेरा वीडियो देख रहा है मैक्स लोगों के पास होगा पिक्सआर्ट ऐप, तो वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा, मैं भी वहीं से कराऊँ। तो मैं लोगो सेलेक्ट कर मिलता हूँ आपको दो मिनट में। ऑल राइट गाइस, अभी आप देख सकते हो मैंने लोगो सिलेक्ट कर लिया हूँ, जैसे कि भी आप देख सकते हो यही वाला लोगो आपको मतलब कि पिक्सआर्ट पर वीक सर्च कर देना है। भाई मैं जो सर्च किया हूँ वही भाई बता रहा हूँ। मतलब सिंपल से आपको राइट में क्लिक कर देना होगा, थोड़ी क्लिक करने बाद आपको इससे रिलेटेड पोजिशन वाला आइकन में क्लिक करके इसको यहाँ पर अभी सेंटर पर मुझको पता है इसकी थोड़ी बहुत साइज बड़ी है बट मतलब लास्ट में हम एडजस्ट कर लेंगे, बट थोड़ा बहुत इसको आपको बीच में सेट करके राइट में क्लिक कर देना होगा। तो अभी आपको क्या करना है, ऊपर इस लेयर वाले आइकन में क्लिक करके इसको यहाँ पर आपको लॉक कर देना होगा। अब आप सोचेंगे भाई लॉक हम क्यों करें, तो लॉक करने का मेन रीज़न यही है कि यहाँ पर ये मतलब कि मूव नहीं होगा अभी के लिए, भाई परमानेंट मत मान लेना, तो अभी के लिए मूव नहीं होगा और हमें आगे का लोगो जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी और बस हेल्प ही होगी भाई और क्या चाहिए। तो सिंपल जैसे ए वाले आइकन में क्लिक करके इस टेक्स्ट वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो उनकी जैसे आप क्लिक कर ले तो यहाँ से आपके जो न्यू टेक्स्ट है पहले हमने इरेज करा था अभी यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपल से अब हम सोचेंगे भाई यहाँ से अपने कीबोर्ड की स्टेप, भाई एक बात होती है ना कीबोर्ड ओपन होगा तभी तो आप टाइप करो मतलब कर पाओगे कोई भी वर्ड चाहो तो मतलब के लेटर चाहो। तो सिंपल से डबल क्लिक कर देना होगा न्यू टेक्स्ट में, तो यहाँ से आपका जो कीबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो सिंपल से न्यू टेक्स्ट को यहाँ पर इरेज कर आप अल्फाबेट में कोई भी एक लेटर टाइप कर सकते हो। सिंपल यहाँ पर मैं के टाइप कर ओके में आपको क्लिक कर देना होगा। तो उनके इसके लिखाने बाद आपको कुछ स्टेप रख देना होगा। तो सिंपल स्टेप से नीचे आ जाना होगा थोड़ा बहुत जाने की मतलब फिर इसे ए बी यानी कि फ़ॉन्ट वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो उनके इसके लिखाने बाद अभी आपको इस पर लगा देना होगा एमेथेल्स क्या नाम है एमेथेट बोल्ट, तो भाई ये आई होप यार मैं सही अनाउंस कर पाया हूँ, अगर नहीं कर पाया तो भाई कमेंट में जाकर जरूर बताना ये वाला वर्ड है मुझको मतलब कि पूरा वो बता देना सही तरह से। तो फिर सिंपल से आपको ओके में क्लिक कर देना होगा। तो इनके जो भी मतलब कि ओके ओके में क्लिक करने बाद अभी आपको इस टाइप से थोड़ा बहुत इसको मतलब के नीचे सेट कर देना होगा। अभी आपको क्या करना होगा, सिंपल जैसे के को यहाँ पर सिलेक्ट कर देना होगा, फिर इस टाइप से नीचे आकर इस टेक्सचर वाले आइकॉन में क्लिक करके इस गैलरी में क्लिक कर देना होगा। गैलरी से क्या होगा कि यहाँ से आप इसका कलर कोई रखना चाहो, गैलरी से आपके पास PNG है कलर PNG है तो वो आप इस पर लगाना चाहते हो। तो मैं फट से एक आयरन की जो बैकग्राउंड मतलब आयरन की PNG सिलेक्ट कर मिलता हूँ आपको यहीं पर। ऑल राइट गाइस, अभी आप देख सकते हो मैंने आयरन का जो बैकग्राउंड ये भी भाई पिक्सआर्ट से डाउनलोड किया है, पहले ही मतलब भाई शुरू हो जाना कि यहाँ मैं कहाँ से डाउनलोड करूँ, तो पिक्सआर्ट से डाउनलोड कर दीजिएगा और मैं मतलब कि सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिंपल जैसे आप राइट में क्लिक कर रहे तो यहाँ से आपका जो वो है के का कलर है चेंज देखने को मिल जाएगा। सिंपल कुछ नहीं कहना जीते आपको एक स्केल का आइकन देखने को मिल जाता है जो 100% हुई पड़ी है, तो सिंपल इसको कर देना होगा 205%। तो सिंपल फिर आपको राइट में क्लिक कर देना होगा, तभी आपको इस लेयर वाले आइकन क्लिक करके इसको अनलॉक कर देना होगा हमारे ये मतलब के लोगों को। तो सिंपल क्या करना होगा, इस स्टेप से थोड़ा बहुत नीचे अगर अगेन
इस टेक्सचर वाले आइकॉन में क्लिक करके गैलरी में क्लिक कर देना होता है ना, गैलरी में क्लिक कर लेते हो यहाँ से जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, गैलरी से आपको एक इस पर जो आप लगाना चाहते हो वो कोशिश कीजिएगा कि आयरन से थोड़ा बहुत डिफरेंट कलर हो। तो मैं भाई गोल्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ, पिक्सआर्ट से कराऊँ, आप डाउनलोड कर दीजिएगा भाई, टेंशन वाली कोई बात आपको नहीं होगी। तो मैं सिलेक्ट करके मिलता हूँ आपको दो मिनट में। तो ऑल राइट गाइस, जरा भी आप देख सकते हो एकदम मस्त भाई स्मूथ गोल्डन कलर भाई, इसको मन करता है भाई देखता रहूँ इसे यार गोल्डन, ये पता नहीं क्यों मेरा फेवरेट पीएनजी है। तो सिंपल जैसे आप राइट में क्लिक कर ले तो यहाँ से आपका जो कलर है चेंज देखने को मिल जाएगा। सिंपल इसकी जो इसके लिए आपको कर देनी 175% करके राइट में क्लिक कर देना होगा। अभी आपको क्या करना है, अगेन इस लेयर वाले आइकन में क्लिक करके इस राइट और एक्स वाले आइकन में क्लिक कर, मतलब रॉन्ग में क्लिक कर देना होगा। तो इन दोनों को अभी आपको यहाँ पर मर्ज कर देना होगा। आर यू श्योर यू वांट टू मर्ज दी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स? तो सिंपल आप जैसे योग में क्लिक करोगे आपस में मर्ज हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या करना होगा, सिंपल रिलेटिव पोजीशन में आइकन में क्लिक, इसको यहाँ पर सेंटर में सेट करके राइट में क्लिक कर देना होगा। सब कुछ हो गया, बट जो इसका बैकग्राउंड है वो अभी बहुत ज़्यादा घटिया सा लग रहा है। तो बैकग्राउंड देख के निकले कुछ नहीं करना, सिंपल से फोर्थ वाले आइकन में क्लिक कर इससे फ्रॉम गैलरी वाले आइकन में क्लिक कर देना होगा। तो इनकी जैसे आप इसमें क्लिक कर ले तो भाई पहुँचा, तो जैसे आप इसमें क्लिक कर ले तो यहाँ से जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगी। तो गैलरी से कुछ नहीं करना, वो वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना है जो भी आप इस पर लगाना चाहते हो। तो मिलता हूँ दो मिनट में। और राइट गए इधर भी आप देख सकते हो मैंने बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया। तो राइट के जैसे आप राइट में क्लिक कर लो तो आपका जो बैकग्राउंड है चेंज देखने को मिल जाएगा, यानी कि एकदम यूनिक लोगो हो जाएगा। तो सिंपल कुछ नहीं करना, इसको थोड़े बहुत साइज इंक्रीज कर देनी है, जैसे कि हम मतलब कि मैंने बोल दिया था कि पहले वही साइज हम डिक्रीज कर देंगे, इंक्रीज बोला क्या, सॉरी यार इंक्रीज बोला, तो डिक्रीज कर देने के लिए। तो सिंपल कुछ नहीं करना, सिंपल स्टार्ट से नीचे अगर 3D शेप वाला आइकन में क्लिक कर देना होगा एंड इनवेल को ओपन कर देना होगा। आप देख रहे हैं 3D जो हमारा वो है 3D वाला है उसको थोड़ा बहुत ये मतलब कि ठीक नहीं है। तो थोड़ी बहुत जैसे आप साइज इंक्रीज कर ले तो यहाँ से आपका जो प्रॉपर सेट हो जाएगा, जैसे कि भी आपने देख लिया। तो इसको सेंटर पर सेट कर देना होगा, इसकी जो डीप है गहराई है उसको कर देना होगा यहाँ पर प्रॉपर आपको 8% होगा। देने के बाद इसकी जो डार्कनेस है वो आपको 60% रख देनी होगी, मतलब कि जैसे कि भी आप देख सकते हो दो बढ़ा देता हूँ, प्रॉपर नहीं है भाई जितनी चाहो रख सकते हो, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि 60 आपके लिए बहुत है भाई, इनफ साइज है, मतलब कि वो है डार्कनेस। तो सिंपल आपको राइट में क्लिक कर देना, दोनों की क्लिक करने बाद आपको शेडो वाला आइकन में क्लिक करके इनवेल को ओपन कर देना होगा। तो एनगेज इसकी जो ब्लर रेडियस है यहाँ पर 7% कर देनी होगी, इसकी जो ऑफ सेट एक्स है उसको 24 कर देना होगा एंड जो ऑफ सेट 24 नहीं भाई कम थोड़ा बहुत इस टाइप से बढ़िया तो 18 कर देना होगा। तो 18 कर देने बाद इसकी जो वो है ऑफसेट वाई उसको -8% करके राइट में क्लिक कर देना होगा। दोनों राइट में क्लिक करने बाद अभी आपको इस कलर फिल्टर्स वाला आइकॉन में क्लिक कर देना होगा। तो कर देने के बाद अभी इसकी जो सेचुरेशन है यहाँ पर आपको 36% कर देने होगी पूरी की पूरी, यहाँ पर मैं आपको कर देना हूँ 36 पूरा पर। तो बन गया लोगों, तो चलो गाइस आज इस वाले वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी, वीडियो को भी जगह लाइक जरूर कर देना और भाई इस वीडियो को एंड तक देखा है ना, मतलब लोग भाई वीडियो तो जरूर आपको पसंद आई है। तो बस कुछ नहीं करना, एक छोटी सी इल्तजा है मेरी, सुन लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।